वैसे अभी हाल ही में पता चला है कि लोग जो है वो सबसे ज्यादा फोन परचेज करते हैं वो 15,000 रुपए की प्राइस में करते हैं। वो 15,000 रुपए की प्राइस में इस टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, जिससे हमें यह तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए एक अच्छा फोन कौन सा है 15,000 रुपए की प्राइस में, क्योंकि बहुत सी कंपनीज नए नए फोन लेकर के आ गई है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा अच्छा फोन है जो कि 15,000 रुपए की प्राइस में आता है। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इस वीडियो में मैंने सारे ही कंपनीज के फोन रखे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के फोन नहीं रखे हैं। तो आप जिस भी कंपनी के फैन हैं उस कंपनी का फोन आप परचेज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना अगर आप फोन कोई 15,000 रुपए खरीदने वाले हैं तो। अगर आप नहीं भी खरीदने वाले हैं तब भी आप इस वीडियो को देखें ताकि उन लोगों को रिकमेंड कर सकें जो 15,000 रुपए के प्राइस में अच्छा फोन लेना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो नीचे से चालू करूंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा फोन जो मेरा खुद का पर्सनली पिक किया हुआ है जो कि वन ऑफ द बेस्ट फोन है, इसीलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखना है। तो सबसे पहले फोन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है Realme 3 Pro। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी अच्छा फोन है। इसमें आपको 6.3 इंच की HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 16+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB के साथ आएगा। ओवरऑल काफी अच्छा फोन है। बात करूं मैं यहाँ पे इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है वो 13,999 रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, कम्प्लीटली 14,000 रुपए में ये आपके लिए एक अच्छा फोन है। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी फोन्स बता रहा हूँ सारे फोन की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कोई भी फोन अच्छा लगता है या आप कोई फोन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक से जाकर के परचेज कर सकते हैं, आपके लिए इजी टू। बढ़ते हैं अब अगले फोन की तरफ जो आपका आता है Xiaomi का Redmi Note 7 Pro। इस फोन ने मार्केट में काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। जी हां फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है। जी हां फ्रेंड्स, 48+5 मेगापिक्सल का इसमें आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट वाला कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है, पूरे 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको 6.3 इंच की दी गई है, 4GB 64GB के साथ आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं इतने प्राइस में सारे फोन 4GB 64GB के साथ आ रहे हैं, तो रैम और वेरिएंट दोनों सारे फोन्स में सेम दिया है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा फोन हो सकता है जो कि आपका आता है 14,999 रुपए में। वैसे मैं आपको बता दूं ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा महंगा था, 16-17 हजार रुपए के आसपास था, प्राइस घट करके थोड़ी सी रह गई है तो 14,999 रुपए में आपको देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रहे हैं, बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों पढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ जो मेरी लिस्ट में आता हुआ आता है ओप्पो K1। काफी ज्यादा कमाल धमाल फोन था ये। मैंने अपनी लिस्ट में क्यों रखा है आपको बता दूं कि सुपर एमुलेट डिस्प्ले 15,000 रुपए के फोन में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस फोन में आपको देखने को मिलती है। 6.4 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले दी गई है, और अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी के बारे में तो 4165 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है, वही 4GB 64GB के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो 660 का इसमें स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा इसमें बैक में दो दिए गए हैं 13+2 मेगापिक्सल का, लेकिन सेल्फी कैमरा इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा फोन है, प्राइस 14,990 रुपए में आपको देखने को मिल जाता है। 14,990 रुपए में आई थिंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फैन है ओप्पो के तो जाकर के परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और फोन के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो ओप्पो का ही है, ओप्पो K3। हाल ही में लॉन्च किया गया है ये फोन, Amazon और Flipkart पर इसकी बिक्री शुरू होना स्टार्ट हो गई है। इस फोन में मैं आपको बता दूं 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात 3765 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मैं बात करूं इसके कैमरे के बारे में, वही सेम कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको ओप्पो K1 में देखने को मिलता है बैक वाला 16+2 मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा सा चेंजिंग दिया गया है।
ओप्पो K1 में आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, इसमें आप 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं तो ये भी आपका 14,990 रुपए में आता है। दोनों ही फोन काफी ज्यादा कमाल के हैं, वही सारी चीजें, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, बस थोड़ा सा अंतर है वो रैम का अंतर है और प्रोसेसर का अंतर है। उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 मिलता है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 मिलता है। 6GB 64GB के साथ आता है, वो वाला 4GB 64GB के साथ आता है। प्राइस दोनों की सेम है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ओप्पो K3 आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पर, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सारे ही फोन की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो गो एंड चेक इट आउट। वैसे दोस्तों मैंने एक टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बनाई जो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे, उस वीडियो में मैंने इस फोन को रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ MI A3 के बारे में। काफी ज्यादा अच्छा फोन है, मैं आपको इस वीडियो में इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। बात करूं यहाँ पे इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो 6.8 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 वाला देखने को मिल जाएगा। बैटरी इसमें 4165 mAh की देखने को मिल जाएगी। कमाल की बात यह है कि इसमें कैमरे दिए गए अच्छे वाले, 48+8+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरे बैक में दिए गए। साथ ही साथ इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है, ये सेल्फी आपकी पॉपअप सेल्फी के साथ आता है। इसकी जो प्राइस है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो इसकी प्राइस वो 15,000 या 16,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। अगर ये इतने प्राइस में लॉन्च हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी किल लॉट ऑफ फोन। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर। और दोस्तों अब टाइम आ गया है जो मैंने अपनी लिस्ट में सबसे बेस्ट फोन रखा है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने सारी कंपनीज के फोन बताए हुए हैं, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ वीवो के Z1 के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस पे डिस्प्ले के बारे में, तो 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4GB 64GB के साथ आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी मतलब बहुत जल्दी नहीं जाने वाली है। कैमरे की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें आपको बैक में तीन कैमरे देखने को मिल रहे हैं, 16 मेगापिक्सल का +8 मेगापिक्सल का +2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ मैं बात करूं इसके फ्रंट कैमरे की, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। कैमरा मतलब डिस्प्ले में ही दिया गया है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जितने भी कैमरे दिए गए हैं वो सारे कमाल के कैमरे हैं, काफी अच्छे फोटो क्लिक करते हैं, इसीलिए मैंने ये अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। आपसे मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई फोन खरीदने वाले हैं 15,000 रुपए की प्राइस में, तो ये फोन आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 14,990 रुपए है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, फिर से कहना चाहूंगा जितने भी फोन है सारे फोन की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपके लिए 15,000 रुपए की प्राइस में कौन सा अच्छा फोन है। अगर दूर हो गया है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप कौन सा फोन परचेज करने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।